मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास में भागीदार बनने का किया आग्रह। नई दिल्ली में कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक मुद्दों पर की चर्चा। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना से प्रदेश में 26,000 से अधिक लोग लाभान्वित। इन योजनाओं के लागू होने से लाभार्थियों के स्वास्थ्य सुविधाओं के खर्च में भी आई कमी। ऊना के कोटला खुर्द में कुष्ठ आश्रय स्थल का ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया उद्घाटन। इस आश्रय स्थल में कुष्ठ रोगियों व उनके परिवारों के लिए बनाए गए 20 आशियाने। ऊना जिले में हरोली के जननी में एक ट्रैक्टर के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत। पंजाब के गढ़शंकर के रहने वाले थे सभी मृतक। लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंबा जिले के डलहौजी में निकाली रैली। भारी जनादेश के लिए पार्टी ने लोगों का जताया आभार। लाहौल स्पीति जिले में बीएसएनएल इंटरनेट सुविधा 5 माह से ठप। लोगों को हो रही परेशानी, सरकारी कामकाज पर भी पड़ रहा है असर। जेबीटी की कमीशन में बीएड अभ्यर्थियों को अनुमति देने के विरोध में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने नाहन, सोलन और रिकांगपियो में किए प्रदर्शन। उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजे ज्ञापन। शिमला जिले के बसंतपुर में सेना के चलते ट्रक में अचानक भड़की आग। सभी जवान सुरक्षित। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। हिमाचल सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट को दी सैद्धांतिक मंजूरी। डीसी कांगड़ा को 10 दिन में दस्तावेज पूरा करने के दिए निर्देश। एयरपोर्ट रनवे को 1,370 मीटर से बढ़ाकर 1,920 मीटर करने का है प्रस्ताव। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानियों ने किया हिमाचल का रुख। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से शिमला शहर में रोजाना लग रहा जाम।